राजघाट राप्ती नदी के किनारे नवनिर्मित पक्का घाट का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि राजघाट राप्ती नदी के किनारे सुबह काफी संख्या में लोग अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए टहलने आते हैं और छठ के महापर्व के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, जिसको देखते हुए घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। काफी इंतजार के बाद राप्ती नदी के दोनों किनारों पर सुंदरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नवनिर्मित पक्के घाट का उद्घाटन करेंगे, जिसको देखते हुए शनिवार को संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण करके उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर वासियों को बहुत जल्द एक नई सौगात मिलने जा रही है, जो गोरखपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, पार्किंग हो गया पब्लिक का, अब मुख्यमंत्री को उधर से लाए, फिर अब मंच यहाँ हो जाएगा। जहाँ वो लड़का जा रहा है ना, वहाँ पे मौजूद हो जाएगा, तो मतलब उधर से कोई जहाँ से जो झाड़ू लगा रहे उसके बाद उतार रहे हैं। वहीं पे आप स्क्रीन लगा देते हैं, उस पर आप करते रहते राम जी को राम घर। हाँ हाँ हाँ, मंच में भी अब हमने ये सोचा कि हम पूरा वो करने के बजाय कि वो उनका उनका पोर्शन जरूर कर दें, बाकी को जैसे वो डांडिया में टेंट लगाते हैं वैसा कर, इसलिए कि इससे सामने दिखाई पड़ेगा हमारा पूरा। हम लोग अभी राप्ती नदी के किनारे खड़े हैं, जहां पर सिंचाई विभाग के द्वारा एक बहुत ही भव्य घाट बनाए गए हैं, तो यहां पर एक कार्यक्रम होना है आगामी दिवसों में, उसी की तैयारी के लिए कि कार्यक्रम में कहां कैसी व्यवस्थाएं की जाएं, कहां पार्किंग हो, कहां स्टेज वगैरह बनाया जाए, वही सब हम लोग देखने आए थे। अभी अभी देखिए किसका कार्यक्रम प्रस्तावित होता है, वो सूचना मिल जाएगी।